Dear students, in today's class we are going to study about Boolean algebra. In case of Boolean algebra, we'll see some Boolean laws and postulates. And in this chapters, we'll prove some Boolean laws also. So, and this topic already we know that it is also the part of emerging domain in electronics engineering. Unit number 4. My name is Hari Mohan Rai, and let's begin this topic. So first of all, what we do, we'll just define in a one or two point what is Boolean algebra and why we use it. So Boolean algebra. Now, so as a simple single point and single line, we can say हम लोग इसको क्या कहेंगे, बुलियन अलजेब्रा जो होता है एक सिस्टम मैथमेटिकल लॉजिक होता है, यानी कि इट इज नथिंग बट बुलियन अलजेब्रा. ध्यान से ये करना है, बुलियन अलजेब्रा इज ए सिस्टम ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक. ओके, मैथमेटिकल लॉजिक. नाउ बट इट इज लिटिल बिट डिफरेंट. ये जो है थोड़ा सा अलग होता है, कह सकते हो अलजेब्रिक सिस्टम से. अलजेब्रिक सिस्टम्स में और बुलियन अलजेब्रा में डिफरेंसेस होता है. ऐसा नहीं कि जो अलजेब्रिक सिस्टम है और बुलियन अलजेब्रा दोनों सेम होगा, नहीं, क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स वेरिएबल्स पे ये डिपेंड करता है. सो जनरली क्यों हम इसको यूज करते हैं, सो इन ऑर्डर टू, इसमें हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू डील मैथमेटिकली किसको, विद द डिजिटल सर्किट्स वी नीड टू यूज बुलियन अलजेब्रा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिजिटल सर्किट्स को मैथमेटिकली हमें डील करना है या मैथमेटिकली उन्हें उसके सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हमें डिजिटल सर्किट्स के लिए बुलियन अलजेब्रा का यूज करना पड़ेगा. अब बुलियन अलजेब्रा को हम बेली क्या क्या इंक्लूड करता है बुलियन अलजेब्रा. सो बुलियन अलजेब्रा मे बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. सो बुलियन अलजेब्रा may be defined with the help of following aspects. कौन कौन से aspects हैं इसमें, let us see. First ये है कि ये a set of elements होते हैं इसमें. मतलब you can say like for example a b c etc या x y z whatever it may be. उसी तरीके से second में क्या कर सकते हैं, a set of operators होते हैं इसमें, यानी कि set of operators. As we know that there are various operators such as or and not, like this. So these are the many operator can be used here. And third we can say that number of unproved axioms or postulates. तो ये हो गया आपका बुलियन अलजेब्रा का पार्ट. ओके, सिंपल लाइन में हम ये बोल सकते हैं कि बुलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई और वी कैन से एनालाइज द किसको, डिजिटल सर्किट्स
क्लियर है, यानी कि डिजिटल सर्किट्स को एनालाइज या सिंप्लीफाई करने के लिए हम बूलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं। इसका नाम बूलियन या क्यों पड़ा, बूलियन या बाइनरी अलजेब्रा, बिकॉज ये बाइनरी यानी कि दो डिजिट्स 0 और 1 में डील करता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बूलियन या बाइनरी अलजेब्रा बोलते हैं, लॉजिकल अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा, दिस इज ऑल्सो। सो हम इसके थोड़ा फंडामेंटल कुछ पोस्टुलेट्स एंड बूलियन अलजेब्रा के रूल्स देख लेते हैं, और इसको हम कंबाइनली ज्यादातर डिटेल में जाए बिना एक टेबल के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि इसके सारे लॉज एंड पोस्टुलेट्स को थोड़ा सा कवर करें। सो फॉर दिस पर्पस व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट मेड ए सिंपल टेबल विच हैव सीरियल नंबर, नेम ऑफ लॉ एंड स्टेटमेंट। Similarly, the same table we have repeated because some law will may exceed. So हमने एक दो टेबल पैरेलली हमने बना दिया है, और आप चाहें तो इसका एक लंबा टेबल बनाया कि समरी के तौर पे आप इसे रख सकते हैं, सो दैट आपके लिए बुलियन अलजेब्रा के जो सारे फंक्शंस हैं वो इजी हो जाएंगे। सो जैसे पहला एग्जाम्पल करते हैं फर्स्ट लॉ से, तो हम जानते हैं कि पहला लॉ क्या होता है, मतलब ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, सो व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ, हमें ज्यादा कम्यूटेट कर सकते हैं, यानी कि अगर ए डॉट बी को ए डॉट बी इज इक्वल टू हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, या ए प्लस बी कैन बी रिटन एज बी प्लस ए। सिमिलरली अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें, दैट इज लाइक एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, किसी भी ऑर्डर हम लिख सकते हैं, तो मैं पहले एसोसिएटिव लॉ लिख रहा हूँ, एसोसिएट करना, एसोसिएटिव लॉ क्या करता है एसोसिएटिव लॉ, कि अगर A dot B in bracket dot C है, can be written as A dot को हम ये कर रहे हैं bracket में B dot C लिख सकते हैं। Similarly, A plus B और bracket के बाद C है, तो इसको हम लिख सकते हैं A plus B और फिर bracket के बाहर C, दोनों का मतलब एक ही होगा। Just a minute, इसको हम ऐसे लिखें, sorry, यानी कि A को हम बाहर रखें और B plus C को एक साथ रखते हैं, ऐसे A plus B plus C। अब थर्ड अगर हम लॉ की बात करें, जैसे एग्जांपल के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हम बराबरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे A डॉट अगर B plus C है, तो A दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मीन्स A डॉट B plus A डॉट C। ये तो मेनली जो लॉज हो गए, इसके बाद हम कुछ लॉ यूज कर रहे हैं हम ऑपरेटर के साथ में, जैसे फोर्थ नंबर एंड लॉज, एंड लॉज, तो एंड के क्या क्या लॉज हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं ए को ए डॉट जीरो मल्टीप्लाई करूंगा ए डॉट जीरो के साथ, तो ऑलवेज वैल्यू आएगी जीरो। सिमिलरली अगर a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि a की वैल्यू 0 इंटू 1 होगा, तब भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, a ही आएगी, फिर 1 इंटू 1 करूंगा तब भी मेरी वैल्यू वो a ही आएगी, तो इसका मतलब a। सिमिलरली अगर मैं a इंटू a, यानी कि दो बार मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 1 इंटू 1 या 0 इंटू 0, क्या आएगा इस केस में वैल्यू, a ही आएगा। लेकिन अगर मैं a इंटू a बार कर दूं, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं, तो 1 इंटू अगर a को 1 रखते हैं तो 1 इंटू 0 यानी कि 0 आएगा, और अगर इसको 0 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि दोनों केस में 0 ही आएगा। ओके, सो दिस इज एंड लॉ। अगर हम सिमिलरली और लॉ की तरह चलते हैं, यानी कि सेम ऑर्डर्स में अगर हम और मतलब समेशन लॉ, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लॉ हो गया, समेशन लॉ में देखिए, और सेम इसी तरीके से जैसे a प्लस 0 सेकेंड a प्लस, यानी बीच में और लगा दिया a और 1, ये a और a या a और a बार, तो देखिए अगर a में हम 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a ही आएगा। a प्लस 1 अगर जैसे 1 प्लस 1 करेंगे 1, 0 प्लस 1 करेंगे क्या आएगा 1, इन दोनों केस में वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। ओके, a प्लस a यानी कि 1 प्लस 1 करेंगे तो 1, 0 प्लस 0 करेंगे तो भी हमें 0, यानी कि इसकी वैल्यू a मिल रही है। और a प्लस a बार क्या मिलेगा, a को अगर आपने 0 रखा और ये a बार 1 हो गया, तो क्या मिलेगा मुझे वैल्यू, वैल्यू मिलने वाली है 1 के बराबर। अगर आपने a को 0 रखा और फिर इसको a बार क्या माने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इस केस में वैल्यू आपको 1 ही, यानी कि दोनों के केस में वैल्यू आपको 1 ही मिलने वाली है। अब अगर मैं 6 नंबर में बोलूं कि कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट या इसको और भी चीज बोलते हैं इन्वर्जन,
इनवर्जन लॉ। क्या होता है, यानी कि एक सिंपल सा रूल है, किसी भी नंबर को अगर डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सेम के बराबर आ जाएगा। एंड वी आर गोइंग फॉर द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि बाकी सारे लॉ तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, इसे कुछ खास याद या ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेवंथ जो लॉ है या सेवंथ जो रूल्स हैं वो थोड़ा सा अलग है, और इसीलिए हम इसको थोड़ा अलग से कर रहे हैं, सम अदर इम्पॉर्टेंट लॉ। ठीक है, अदर इम्पॉर्टेंट लॉस। जैसे अगर ऐसे मैं लिखूं कि a प्लस बी सी, लेट मी चेंज दिस वन, a प्लस बी सी कैन बी रिटन एज, इसी हियर a प्लस बी इंटू ए प्लस सी के तौर पे। सिमिलरली अगर मैं ऐसे बोलूं कि a कॉम्प्लीमेंट यानी कि a बार प्लस ए बी विच विल बी इक्वल टू a bar as it is होगा और a b will be equal to only b because a into a bar, मतलब ये प्रूफ करेंगे हम, ये लॉज हैं। ओके, सिमिलरली a bar यानी कि a plus a b, सिंपल a plus a b will be equal to only a, and one more is there that a bar plus a b bar, a bar plus a b bar की वैल्यू जो होगी वो a बार प्लस b बार के बराबर हो जाएगी, a बार प्लस b बार, एंड a प्लस a बार b, a प्लस a बार b इक्वल टू a प्लस b के बराबर। अंडरस्टैंड? तो ये लॉ है, इसमें से कुछ लॉ प्रूफ करेंगे, कुछ लॉ आप लोग भी ट्राई करना प्रूफ करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक लॉ प्रूफ करने की कोशिश करूं, फर्स्ट वन, प्रूफ a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, लेट अस सी। सो हम इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ बहुत ही सिंपल है, आप भी कर सकते हैं इसे। क्या करना है मुझे, एल एच एस हमने ले लिया, एल एच एस यानी कि एल एच एस में क्या है, a प्लस ए बी। अब क्या इसमें से हम a कॉमन ले सकते हैं, अगर हमने a कॉमन ले लिया तो क्या मिला मुझे, वन प्लस बी। And we know that कि किसी भी नंबर को अगर हम वन के साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या क्या मिलने वाला है, आप देख सकते हो हम लोगों ने ऑलरेडी रूल में किया हुआ है, वन के बराबर ही, यानी कि दैट इज नथिंग बट a विच इज नथिंग बट आर एच एस, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। ओके, सिमिलरली इस तरीके से एक आध और हम प्रूफ करके देखते हैं। सेकेंड नंबर मान लो a प्लस ए बार बी शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी बार। ओके, सो हियर ऑल्सो इन प्रूफ वी स्टार्ट विथ, हम लोग क्या करेंगे प्रूफ में स्टार्ट करेंगे एल एच एस से, एल एच एस। सो एल एच एस की वैल्यू क्या है, a प्लस ए बार बी। अच्छा, एक और चीज, अगर हमारे पास ऑलरेडी a को हम प्रूव कर चुके हैं कि a प्लस ए बी के बराबर होता है, तो इस प्रूफ को यानी कि इस लॉ या इस पोस्टुलेट्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि a को की जगह पे हम लिख सकते हैं a प्लस ए बी, एंड प्लस a बार b तो ऑलरेडी है ही, बिकॉज चूंकि a प्लस ए बी इज इक्वल टू a के बराबर होता है, तो a की जगह पे हमने ये पुट कर दिया। अब इन दोनों में हम देख सकते हैं कि a प्लस ए बी और प्लस ए बार बी है ना, तो अगर मैं इसमें से बी कॉमन ले लो यानी कि ए प्लस बी यहाँ पे आप कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बार, ए प्लस बी है यहाँ पे, बी बार नहीं है, लेट मी मेक यू क्लियर, ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर है ना, तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू, जस्ट अ मिनट, ए प्लस बी इंटू यहाँ पे हमने क्या b कॉमन लिया तो क्या मिला, a प्लस a बार, और हमें पता है कि a प्लस a बार किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर, यानी किसी भी नंबर उसे कॉम्प्लीमेंट जो वैल्यू है वन के बराबर होगी, तो क्या आ गया वैल्यू, a प्लस b विच इज नथिंग बट आर एच एस, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ्ड। सिमिलरली एक दो और लॉ को हम देख लेते हैं, एवरी लॉ यू कैन प्रूफ, नो इश्यू एट ऑल, तो हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ये दिखा दिया है ताकि आप लोग इजिली कर पाए इसे। जैसे थर्ड नंबर अगर हम बात करें, जैसे
a plus b into a plus c should be equal to a plus bc. Now, so let us prove this. So in case of proof, यहां भी हम क्या करते हैं कि a plus b into a plus c यानी कि LHS को लेके चलते हैं. तो LHS में यानी कि ये वैल्यू क्या है, LHS की वैल्यू है. सो यहां पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दें हम a into a plus a into c plus b dot a plus b dot c. ओके, सो लेट अस सी हियर क्या कर सकते हैं हम इन्हें. अब देख सकते हो कि a dot a को, क्योंकि a dot a को मैं सिर्फ a लिख सकता हूं, और a plus a b को यानी कि इसको इधर लेके आ जाऊं मैं, a plus a b को एक साथ में कर लूं तो a plus a b हो गया, और इन दोनों को यानी कि a c plus b c को हमने एक साथ रख लिया, क्योंकि a dot a is equal to a ही होता है, इसलिए इसकी जगह पर हमने इसको यूज कर लिया. नाउ अब a plus a b की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहला वाला वैल्यू देखिए a के बराबर, यानी कि a plus a b भी किसके बराबर हो गया, a के बराबर हो गया, और यहाँ पे plus a c and plus b c बचा है ना. अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मैं a plus a c plus b c, अब इन दोनों में a plus a c में से अगर आप a कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 plus c और plus b c, और 1 plus c किसके बराबर होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a plus a b is equal to a के बराबर होता है, उसको हमने यूज किया यहाँ पे. 1 plus जो c होगा वो 1 के बराबर होगा, यानी कि a plus b c which is nothing but equal to r h s, because we know that कि 1 plus a is equal to 1 के बराबर होता है. ओके, यानी कि l h s is equal to r h s proved. इसी तरीके से कुछ और भी आप लॉ हैं वो प्रूव कर सकते हैं, बट बेसिक हमने 5 में से 3-4 लॉ हमने प्रूव कर दिया. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक है इसी बुरन अलजेब्रा के में, और उसका नाम है डुअलिटी प्रिंसिपल. तो लेट अस सी हियर व्हाट इज दैट डुअलिटी प्रिंसिपल. नाम से पता चल रहा, डुअल प्रिंसिपल. व्हाट इज डुअलिटी प्रिंसिपल, लेट अस सी हियर. तो डुअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम अगर जनरली इसमें क्या होना चाहिए कि दो वैल्यूज होने चाहिए, यानी कि दो वैल्यू बुलियन अलजेब्रा के केस में एप्लीकेबल होता है. तो चलिए मैं पहले लिखवाई देता हूं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं. फर्स्ट, सो इट स्टेट्स दैट, यहां पे इट स्टेट्स दैट इन, इसमें इन टू वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा, इन टू वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, द ड्यूअल ऑफ, यहां पे द ड्यूअल ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसमें, कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, यहां पर ध्यान देना, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड बाई, कैसे, बाई इंटरचेंजिंग, यहां पे ये वर्ड यहां पे अंडरलाइन कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग और ऑपरेशन, और एंड को हम एंड ऑपरेशन के साथ, और एंड ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स एंड इसके बाद क्या, बाय रिप्लेसिंग वंस बाय जीरोस, वन को जीरो से, एंड जीरोस बाय वंस, जीरोस बाय वंस, यानी कि जितने भी सिस्टम में, सिंपल वर्ड में कहा जाए कि अगर दो वैल्यू के बुलियन अलजेब्रा है तो हम डॉट प्रोडक्ट को
सम में कन्वर्ट कर सकते हैं और सम को डॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर एक्सप्रेशन में वन है तो उसको जीरो से रिप्लेस करेंगे और जीरो को वन से रिप्लेस करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं द रूल्स फॉर द डुअलिटी प्रिंसिपल इज, प्रिंसिपल आर क्या है, पहला फर्स्ट वी कैन चेंज ईच एंड, किसी हर एंड को टू एन ऑपरेशन, टू ईच एंड टू एन और ऑपरेशन, क्लियर है। सिमिलरली इस वाइस वर्सा सेकेंड वी कैन चेंज ईच और टू एंड ऑपरेशन, एंड द थर्ड वन इज वी कैन कॉम्प्लीमेंट we can complement any ones or zeros appearing in the expression. let us see in example. जैसे एग्जाम्पल नंबर वन, फाइंड द डुअलिटी ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या है डुअलिटी में। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए, कि अगर हमें पता है कि ए प्लस ए बी इजकल टू क्या होता है, ए के बराबर, लॉ है उसी को मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, b इज इक्वल टू a प्लस a बार b इज इक्वल टू a प्लस b के बराबर। सिमिलरली c a प्लस a बार इज इक्वल टू 1 के बराबर। सिमिलरली d में a इंटू b प्लस c इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी के बराबर, है ना। लेट अस सी वन बाय वन। सोल्यूशन यानी कि डुअलिटी अप्लाई, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, अप्लाई डुअलिटी प्रिंसिपल या डुअलिटी थ्योरम, अप्लाई डुअलिटी थ्योरम क्या कहता है, जहां भी डॉट यानी कि एंड होगा, पहला फर्स्ट ए के लिए ए एज इट इज प्लस की जगह हो जाएगा डॉट ए इंटू के बी की जगह हो जाएगा ए प्लस बी, क्लियर है। इसके एलएचएस के लिए इज इक्वल टू एज इट इज हो जाएगा ए इंटू, यानी कि ए इंटू ए प्लस बी, ये था ना ए प्लस ए बी इजकल टू ए, तो दैट कैन बी रिटन एज ए इंटू ए प्लस बी इजकल टू ए। सिमिलरली बी के लिए डुअलिटी प्रिंसिपल से ए प्लस ए बार बी, तो फिर यहाँ पे ए प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा इनटू, और ए बार इनटू बी के लिए प्लस हो जाएगा, यानी कि ए बार प्लस बी, ए इनटू ए बार प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए प्लस बी विल कन्वर्ट इनटू द इनटू, यानी कि एंड में सी ए प्लस ए बार, सो ए प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा डॉट, यानी कि डॉट का मतलब एंड, प्लस को और भी कन्वर्ट कर दिया, ए इनटू ए बार इज इक्वल टू जीरो, सही है, होता है ऐसा। एंड डी ए के साथ यहाँ पे ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये थर्ड ए इनटू की जगह पे क्या करेंगे प्लस पुट करेंगे, बी प्लस सी की जगह पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि और बन जाएगा एंड और में बदल जाएगा, यानी कि ए प्लस बी और प्लस जो है वो एंड में बदल गया इनटू ए प्लस सी,
ओनली, अब दिक्कत क्या है कि ये डुअल वैल्यूज पे, ड्यूअलिटी जो प्रिंसिपल है वो डुअल वैल्यूज अलजेब्रा के लिए यूज होता है, हम इसको हर जगह अप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा जो पहले यूज कर चुके हैं हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम का, उसका भी यूज कर लें, उसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। लेट अस सी डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। जनरली डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है, दो डी मॉर्गन्स थ्योरम होते हैं जिसको कि ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं लॉजिक गेट्स में। क्या क्या होता है, फर्स्ट वन इज, पहला कि अगर ए बार डॉट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, सॉरी यानी कि ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि डॉट कन्वर्ट हो गया किसमें, प्लस में, और दोनों के ऊपर इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेकेंड, अगर उल्टा, यानी कि ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर है इज इक्वल टू, कन्वर्ट हो जाएगा अब प्लस डॉट में, यानी कि एंड में, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई करेंगे ट्रुथ टेबल जैसे हम ड्रॉ करते हैं उस तरीके से। तो लेट अस सी वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, पहले ले लेते हैं वैल्यू ए के लिए, फिर चाहिए हमें बी की वैल्यू, फिर पहले वाले के लिए करते हैं फर्स्ट के लिए। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, वेरिफिकेशन फॉर, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर वेरिफिकेशन फॉर ए डॉट बी का बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। लेट अस ए बी, अब मुझे क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, क्योंकि इनका इसका मुझे बार करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा ए बार और फिर बी बार, फिर यहाँ पे मुझे ए डॉट बी करना है, फिर ए डॉट बी का बार चाहिए, और फिर यहाँ पे ए बार प्लस बी बार, इन सब की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, और इसको हम लोगों को देखना है कि क्या ए डॉट बी का बार और ए बार बी बार सेम आ रहा है या नहीं। सो दिस विल बी नथिंग बट ए काइंड ऑफ प्रूफ या वेरिफिकेशन यूजिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, जैसे ट्रूथ टेबल की पॉसिबिलिटीज हम लोग देखते हैं। लेट अस सी, पुट दिस वन, ए की वैल्यू जीरो पॉसिबिलिटीज है, ये जीरो, ये भी हो सकता है जीरो और वन, ये हो सकता है वन एंड जीरो, ये हो सकता है वन एंड वन। तो अगर मैं इसे कॉम्प्लीमेंट करूं तो क्या होगा, जीरो विल बिकम, ए बार के लिए जीरो विल बिकम वन, जीरो विल बिकम वन, वन बिकम जीरो, वन बिकम जीरो। अब इसमें जीरो बिकम्स वन, वन बिकम्स जीरो, जीरो बिकम्स वन, वन बिकम्स जीरो। नाउ ए डॉट बी, तो ए डॉट बी यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट करना है मुझे, यानी कि एंड प्रोडक्ट करना है। तो ए जीरो डॉट जीरो जीरो, जीरो डॉट वन जीरो, वन डॉट जीरो जीरो, एंड वन डॉट वन वन। नाउ अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि इसको कॉम्प्लीमेंट करें, तो जीरो कॉम्प्लीमेंट वन, जीरो कॉम्प्लीमेंट वन, जीरो कॉम्प्लीमेंट वन, वन कॉम्प्लीमेंट जीरो। अब आते हैं इन दोनों का और, तो वन प्लस वन यानी कि वन, वन मतलब हाई प्लस हाई, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस जीरो जीरो। अब देखो ये वाला पोर्शन जो है ये हो गया हमारा एल एच एस का, और ये प्रोडक्ट क्या है आर एच एस का। तो क्या एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है, यस है, तो इतना मतलब है कि ये हो गया प्रूव्ड या वेरीफाइड। सिमिलरली हम चाहे तो एक बार वेरीफाई कर सकते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, सेकेंड डी मॉर्गन्स थ्योरम, यानी कि ए प्लस बी का बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। अब इसका भी वेरिफिकेशन देख लिया जाए, अब जब हमने ये कर ही दिया है तो सो वेरिफिकेशन क्या करेंगे, वेरिफिकेशन में जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल ए बी, और क्या होगा ए बार बी बार, फिर मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी का बार, एंड लास्ट वैल्यू ए बार प्लस बी बार। ओके लेट अस सी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जीरो वन वन जीरो, मतलब जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है उसको हम लग देंगे, यानी कि ये हो सकता है जीरो जीरो, ये हो सकता है जीरो वन, ये हो सकता है वन जीरो, ये हो सकता है वन वन। नाउ अब अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए वन वन जीरो जीरो, और ये क्या हो जाएगा वन जीरो वन जीरो। लेट अस बिगिन विथ दिस पार्ट,
यानी कि ए प्लस बी, यानी कि दोनों का और, तो लो प्लस लो लो, लो प्लस हाई हाई, हाई प्लस लो हाई, हाई प्लस हाई हाई। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए मुझे, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा वन बट रिमेनिंग विल बिकम जीरो। अब आते हैं ए बार प्लस बी बार, यानी कि इन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट मतलब और करते हैं, तो वन प्लस वन की वैल्यू वन, वन प्लस जीरो की वैल्यू ओके, ए प्लस बी हमने किया है, इसको फिर से वेरीफाई कर ले रहा हूँ मैं, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, और वन प्लस वन, अच्छा सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे हमने ये गलत लिखा है, ए बार डॉट बी बार, यानी कि प्रसार जो होता है वो डॉट होता है, तो यहाँ भी हमें डॉट करना था, इसी वजह से इसका जो वेरिफिकेशन गलत आ रहा था, जस्ट मेक श्योर दैट, मेक श्योर दैट कि चलो इससे भी एक प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी बार जो है ए बार प्लस बी बार के बराबर नहीं होगा, है ना। तो कभी कभी मिस्टेक सही साबित हो जाती है। चलिए तो a डॉट b का बार, यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो अगर a बार डॉट b बार करेंगे तो 1 डॉट 1 1 हो जाएगा, फिर 1 डॉट 0 क्या हो जाएगा, 0, 0 डॉट 1 0, 0 डॉट 0, यानी यानी कि ये LHS ये RHS, तो ये LHS ये RHS जो कि क्या हो गया, LHS is equal to RHS। इस तरीके से अगर कोई भी आप जितने भी लॉज हैं उसको इस तरीके से भी वेरीफाई आप कर सकते हैं। नाउ कुछ और एक आध बुलियन अलजेब्रेस के कुछ प्रूफ हैं जो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ताकि दो चार और एग्जांपल आप लोगों को मिल जाए। जैसे एग्जांपल प्रूफ दैट, यहाँ पे है प्रूफ दैट ए प्लस ए बार बी प्लस ए बी प्लस प्लस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर होना चाहिए। तो लेट अस प्रूफ दिस एंड स्टार्ट विद द प्रूफ, में हम लेके चलते हैं LHS को। सो इन LHS व्हाट इट इज गिवन, ए प्लस ए बार बी प्लस ए बी। सो इन दिस केस अगर मैं इसमें से बी सेकेंड पार्ट में से, यानी कि ए प्लस इन दोनों में बी कॉमन ले लूं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार, तो ए प्लस ए बार की वैल्यू कितनी होती है, वन के बराबर, तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी हो गया। सो दिस इज द ओनली, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस ए बार, और हमें ए प्लस ए बार की वैल्यू क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी इंटू वन, और इसकी वैल्यू आ गई ए प्लस बी विच इज नथिंग बट आर एच एस, एंड एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। सिमिलरली कुछ एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल नंबर टू, वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखिएगा, ए प्लस बी का बार प्लस ए बार प्लस ए बी एंड इसके ऊपर होल बार, यानी कि होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये दिस द सिंप्लीफाई। सुनाओ, चलिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन इज, ए प्लस बी का बार प्लस ए बार प्लस ए बी का होल बार इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो इज इज नॉट ए प्लस ई हियर, ए आई मीन हियर ए बी, ए बी बार। ओके, सो मेक श्योर दैट, तो एज वी नो दैट फ्रॉम डी मॉर्गन्स थ्योरम्स, ओके, दैट ए बी बार कैन बी रिटन एज ए बार प्लस बी बार, तो लेट्स राइट दिस वन हियर, ए बार प्लस बी बार ये हो गया, और प्लस ए बार प्लस ए बी ये हो गया यहाँ पे, और ये कंप्लीट बार है, यानी कंप्लीमेंट है। तो अब देखिए यहाँ पे ए बार प्लस बी बार प्लस ए बार, यानी कि ए बार दो बार है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि दोनों हो जाएगा ए बार के बराबर, ये फ्रॉम डी मॉर्गन्स थ्योरम, फ्रॉम डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो यहाँ पे ए बार प्लस ए बार किसके बराबर हो गया, ए बार के बराबर हो गया, इजंट इट, और प्लस ए बार प्लस ए बार हो गया,
ए बार के बराबर प्लस बी बार और प्लस ए बी, और इसके ऊपर कंप्लीट बार। वैसे दो स्टेप में और लेके चल सकते हैं यहाँ पे, ए बार प्लस बी बार को हम चाहे तो डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कंप्लीट करें, लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज मिल सकती है कि ए बार प्लस ए बी क्या होता है। जैसे अभी हम कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि ए बार प्लस ए बी जो बुलियंस लॉ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बार प्लस बी के बराबर, यानी कि ए बार प्लस ए बी इज इक्वल टू, यानी कि ये दोनों क्या हो जाता है कि ए बार प्लस बी के बराबर, और ये क्या हो गया प्लस बी बार। ए बार प्लस ए बी, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ए बार प्लस ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बार प्लस बी के, और यहाँ पे ऑलरेडी बी बार है ही, क्लियर है, और इसके ऊपर कंप्लीट बार। नाउ अगर आप इसका यानी कि ले लेते हो डिमॉर्गन्स, डायरेक्ट यहां से डिमॉर्गन्स अप्लाई कर दो अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, डॉट में बदल जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए जितने सारे प्लस का बार है, यानी कि ए बार का बार डॉट बी बार डॉट बी बार का बार हो जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी बार डॉट बी, और बी इंटू बी बार क्या होता है, जीरो होता है, तो ये बिकम जीरो, यानी कि सिंप्लीफिकेशन में क्या आ गया, वाई की वैल्यू जीरो के बराबर, ओके, क्योंकि यहां पे हमने अप्लाई किया था ए प्लस बी प्लस सी का बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। जरूरी नहीं है कि आपको इसी मेथड या इसी क्लॉज का यूज करें, आप किसी दूसरे भी लॉ या इसका यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, नाउ अगेन वन सिंप्लीफिकेशन एक और देख लेते हैं, यानी कि दिस इज नथिंग बट वाई इज इक्वल टू गिवन सॉल्यूशन में y is equal to, so a bar a b bar plus a bar b plus a bar b bar plus a b। अब ऐसा करें जो कॉमन हो सकता है उसको हम लोग कॉमन करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब यहां से जब हम b bar कॉमन लेंगे किसके किस में, इसमें और इसमें, तो b bar कॉमन अगर हम लेंगे तो बचेगा a plus a bar, और plus अगर इसमें इन दोनों में b हम कॉमन लेते हैं b, तो हो जाएगा a प्लस ए बार। सिंस a प्लस ए बार की वैल्यू क्या होती है, a प्लस ए बार इज इक्वल टू वन, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा b बार प्लस b, और सिंस अगेन b प्लस b बार इज इक्वल टू हो जाएगा वन, सो वैल्यू क्या आ गई, वन के बराबर यहाँ पे, यानी कि y इज इक्वल टू वन। इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखे बुलियन अलजेब्रास के, कुछ प्रूफ किए बुलियन अलजेब्रा, एक लॉ के थ्रू हमने सिंप्लीफाई किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको बुलियन अलजेब्रा का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट वो समझ में आया होगा, कुछ लॉज भी प्रूफ करना समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एवरी वन स्टे हेल्दी स्टे सेफ, अगर किसी कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल करके भी पूछ सकता है। थैंक यू एवरी वन।